साथियों, आज बीजेपी के विकास के सामने इंडी अलायंस मुद्दों की कंगाली से जूझ रहा है और इसलिए ये लोग अब केवल गाली गलौज और अपमान की राजनीति पर उतर आए हैं। इंडी अलायंस की तमिलनाडु की जो पार्टी सनातन के विनाश की घोषणा करती है, उन नेताओं से ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर हमारे महाराष्ट्र में लाकर रैली करवाते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा होता है तो कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्त उसका भी बहिष्कार करते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में पहली रामनवमी का आयोजन हुआ। सूर्य की किरणों से भगवान राम के अभिषेक ने हर देशवासी को भक्ति से सराबोर कर दिया। लेकिन इस इंडी गठबंधन के एक नेता ने कहा, और जब सूर्य तिलक प्रभु रामलला को हो रहा था उस समय ये इंडी अलायंस के साथी ने क्या कहा, ये सब पाखंड है पाखंड। ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का असली चेहरा है, असली चेहरा। साथियों, एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने यहां लानू जी महाराज देवस्थान का पुनर्विकास का संकल्प किया है। ये लोग अगर मजबूत हुए तो उसका भी विरोध करेंगे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर कांग्रेस के इन पापों का हिसाब आपको करना है।